ईडी ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। यहां उनकी रिमांड पर सुनवाई हुई और इसे 5 दिन और बढ़ा दिया गया। वो 22 मार्च तक रिमांड पर रहेंगे। हालांकि ईडी ने उनकी 7 दिन की रिमांड की मांग की थी। वहीं शराब नीति केस में सिसोदिया के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। कोर्ट ने सीज किए गए बैंक खातों से चेक के जरिए रोजमर्रा के खर्चों, मसलन बिजली, पानी, खान पान आदि के बिल भुगतान के लिए चेक जारी करने की इजाजत दी है। सिसोदिया अब इन जरूरतों के लिए जारी चेक पर दस्तखत कर सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।